इस समय हम हैं रेकोंकियो बस स्टैंड पे, अभी बजे हैं 9:50, तो तीन घंटे लगे हैं यहाँ से रामपुर बुसर से पियो आने का। और किन्नौर की वैली के बारे में हमें कुछ जानकारी पता चली, हम आपके साथ भी शेयर कर दूं। अगर आप सांगला, चितकुल और रक्चम जाना चाहते हैं तो एक बीच में एक जगह पड़ती है करचम डैम, उसके पहले एक दाने तरफ पुल गया है, तो वो रोड वहाँ जाता है। अगर आप अपने गाड़ी से तब तो आ रहा है, यहाँ रेकोंकियो आने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप उससे अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो रामपुर बुसर से भी बस मिलती है और पीओ से भी बस मिलती है, जो लोकल बस भी होती है और डिपो वाली बस होती हैं। और दूसरा है कि अगर आपको कल्पा जाना है तो यहाँ आइए, यहाँ से पीओ से कल्पा 10 किलोमीटर है, तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। इसके लिए आपको बस स्टैंड के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, अंदर से कोई बस नहीं जाती, बाहर से आती है। तो अभी हम 8:50 हुआ है, 9:30 पे है बस, तो 9:30 पे हम बाहर पहुँच जाएंगे जहाँ से हैं बस मिलेगी। और बाकी तो अब थोड़ा टाइम है, थोड़ा आसपास कुछ नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। कल्पा से अगर आपको फिर काजा जाना है तो आपको वापस फिर पीओ आना होगा, फिर पीओ से आपको काजा के लिए बस मिलेगी। काजा के लिए कई सारी बस चलती हैं यहाँ से, सुबह 5:30 पे जो पहली बस जाती है वो 5:30 पे, और दिन 12 बजे और शाम को भी एक बस जाती है। तो हम अभी खड़े हैं बस स्टैंड के बाहर, यहीं से हमें कल्पा के लिए बस मिलेगी। अभी हमारी बस में टाइम था तो पीओ बस स्टैंड के पास ही हमने एक पराठे वाली दुकान पे आए हैं, जहाँ 30 रुपये के एक पराठा है, तो हमने दो पराठे लिए हैं, एक है और एक है। तो यहाँ हम अभी नाश्ता करके फिर जाएंगे वहाँ जहाँ से हमें कल्पा वाली बस मिलेगी। रिपो पीओ में हम आधे घंटे से हैं, और कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी अच्छी है, जियो एयरटेल अच्छे से आ रहे हैं, नेट भी चल रहा है, लेकिन वोडा नहीं चल रहा है। वोडा शिमला से पार करते हैं, जैसे किन्नौर वैली में उसे हैं तो वोडा तब से नहीं आ रहा, नेटवर्क भी नहीं आ रहा, नेट तो चल ही नहीं रहा, और पूरे रास्ते में जियो एयरटेल अच्छा चला है। अब कल्पा जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कौन सा नेटवर्क अच्छा चलता है। मिनी कल्पा से पहले मिनी कल्पा है, तो हम जहाँ उतरेंगे उस जगह का नाम होगा चुगलिंग। तो अब यहाँ बस रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए, यहाँ से फिर चुगलिंग निकलेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे वो सुसाइडल पॉइंट है वो देखेंगे, और कुछ जगह और हैं जिनको देखने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पर देखेंगे कोई होम स्टे या कोई सस्ता सा होटल मिल जाए जहाँ हम ठहर सकें। तो अभी तो हम मिनी कल्पा में हैं, यहाँ बस मार्केट है, कुछ छोटा सा मार्केट है, मिनी कल्पा नहीं प्रॉपर कल्पा है, ये पुराना पहले पुराने कल्पा ही है। अच्छा, चीनी बाजार ये है, पूरे चीनी बाजार में चीनी बाजार उसको क्या पता घूम के कंडक्टर बोल रहा था कि वो ये न्यू कल्पा है, बोल रहा था न्यू कल्पा चीनी बाजार है, ये चीनी बाजार कल्पा यही है, एट कल्पा यही है, यही लिखा तो कल्पा यहां पे। अच्छा, तो वो चुगलिंग है उधर, वो चुगलिंग आके जब जाएगी ना बस यहीं पे रुकेगी, वो चुगलिंग है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, हम अभी कल्पा में हैं और इसके बाद हम जाएंगे चुगलिंग। ये प्रॉपर करेक्ट, हाँ, हम कंडक्टर साहब ने बोला था कि ये मिनी कल्पा है, ऊपर प्रॉपर है, लेकिन अभी यहाँ के बैठे भाई साहब स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर कल्पा है, ऊपर चुगलिंग है, तो वहाँ हम जाएंगे। हम लोग अभी चुगलिंग में हैं, यहाँ से हमारे साथ कुछ स्थानीय मतलब यहाँ की महिलाएं हैं, और एक हमारे साथ टूरिस्ट पीछे जो घूमने आए हैं उनके साथ ही अब हम रोगी जाएंगे, वहाँ से हम सुसाइडल पॉइंट देखेंगे और फिर रहने की जगह देखेंगे, आज कहाँ रुकेंगे जहाँ नेटवर्क होगा सही होगा रहने के लिए उस जगह पर रुकेंगे। तो अभी का यही प्लान है कि उनकी कोई गाड़ी आ रही है तो उनकी गाड़ी पर ही हम आगे रोगी जाएंगे, वहाँ उस साइड बस नहीं जाती है कोई, तो अभी हम जाने वाले हैं, थोड़ी देर में उनकी गाड़ी आएगी तो रोगी।
अच्छा अच्छा अभी जाके फिर वापस आएंगे। हाँ अभी जाएंगे। ओके ये भी है लग रहा है। हाँ, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे बहुत है। हाँ फिर तो क्या ही दिक्कत है, जिसमें सही लगेगा उसमें। रुकिए कहीं देर में जा रहे यार। हम आ गए हैं सुसाइडल पॉइंट, यहाँ लिखा भी है सुसाइड, ग्रिल बन गई है। पहले सुना है ग्रिल नहीं हुआ करती, इस पर लिखा आई लव किन्नौर। और आपको बता दें किन्नौर क्या है, तो किन्नौर को पहले किन्नर, किन्नरों का देश कहा जाता था। राहुल संकृत्यान की किताब में लिखा भी है कि ये किन्नरों का देश है। तो ये पीछे कैलाश किन्नर वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो अभी हम यहीं पर हैं। यहाँ से हम लोग अब आने का, अगर आपको पता हो तो आपको यहाँ से रिकोंगपियो आना है। रिकोंगपियो से फिर आपके पास अगर खुद की गाड़ी है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आप पहले रिकोंगपियो आइए, वहाँ से कल्पा तक बस जाएगी। कल्पा के आगे एक जगह है चिमनी, वहाँ तक भी बस जाती है। वहाँ आइए, वहाँ से आप लोकल बस या हिच हाइक करिए या लोकल ट्रांसपोर्ट उससे आ सकते हैं। तो अभी हम लोकल से ही आए थे, अब हम यहाँ रुकेंगे। यहाँ से हम पैदल जाएंगे, कुछ पास में होम स्टे है वहाँ हम रुकेंगे आज। एकदम साइड में चलना, गाड़ियाँ बहुत तेज आती हैं। अब हम यहाँ से, हमने सुसाइडल पॉइंट देख लिया है, अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। पैदल काफ़ी दूर है, हालांकि जहाँ हम होस्टे है, होम स्टे होटल वाली जगह है, वो काफ़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर लगभग है। तो हम लोग पैदल ही उस जगह पर जा रहे हैं और इस जगह को फील कर रहे हैं। शानदार जगह है, फिर क्या मतलब किन्नौर बेहद खूबसूरत है। ऐसे मुड़ेंगे, गेस्ट हाउस वाला, ये लोग काम कर रहे थे यार। हाँ, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, पर हमें एक अच्छा सा व्यू पॉइंट दिख गया, तो वही हम रोड से उतर के उस व्यू तक जा रहे हैं। थोड़ी ढलान भी है, रास्ता आसान नहीं है लेकिन अच्छा है, मतलब मज़ा आएगा बिल्कुल। वहाँ से किन्नर कैलाश का पर्वत सामने दिख रहा है, तो अच्छा व्यू पॉइंट है। कम ही लोग आते होंगे, लेकिन हमने सोचा कि हम जाते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है वहाँ से भी। उस व्यू पॉइंट को देखने के बाद अब हम वापस चुगलुंग की ओर जा रहे हैं, जहाँ पास रास्ते में होम स्टे होटल हैं, उनमें से किसी में ठहरेंगे। इस रास्ते में हम लोग आ रहे हैं पैदल, तो बहुत सारे सेब के बागान लगे हैं। अभी सेब फल के छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे छोटे मतलब फल हैं। अभी आप देख सकते हैं, सब ये सब सेब फल के पूरा बागान है। इसी ऊपर भी बागान लगे हुए हैं, ये सब सेब फल के बागान हैं। अभी हम लोग आ गए हैं, अगर किसी ने इजाज़त दी तो यहाँ से तोड़ के खाने का शायद मौका मिल जाए। हमने यहाँ कल्पा के पास ही एक रूम लिया है, दो ये हमारा रूम है। थोड़ा मतलब हमने जो रामपुर बसर में लिया था वो उससे थोड़ा महंगा है, छोटा सा रूम है, पर जगह है भी कम ना। देखो ये पूरा दो बेड है, टीवी भी है और वॉशरूम भी है। अच्छा वॉशरूम है, साफ सफाई भी अच्छी है। इस यहाँ 1000 रुपये का हमने रूम लिया है दो लोगों के लिए। तो और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का ये है व्यू,
इस व्यू का हम लोग 1000 रुपये दे रहे हैं। अगर ये व्यू नहीं होता तो शायद ये भी 500-600 रुपये का ही पड़ता। रामपुर सर में काफ़ी गर्मी तो नहीं थी लेकिन इतनी ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। रात में यहाँ ठंड भी लगेगी क्योंकि कमरे में पंखा तक नहीं है, इसलिए यहाँ पक्की बात है कि ठंड लगेगी। ऐसे ही हमने नैनीताल में रुके तो वहाँ भी कोई पंखा नहीं था हमारे रूम, उसी तरह यहाँ भी कोई कमरा, यहाँ भी कोई पंखा नहीं है। तो अब बस इतना ही है कि आज हम यहाँ रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर अगले दिन पीओ के लिए निकलेंगे। हमने सोचा है वो साहब नीचे एक मॉनेस्ट्री भी है, बौद्ध मॉनेस्ट्री, उसको कल जब जाएंगे चीनी मार्केट तो उसको देखते हुए निकलेंगे। तो अभी हमारे देवेश भाई थक गए हैं तो लगे हुए हैं। कल्पा में खाने का थोड़ा मसला है, यहाँ वो छोटे छोटे ढाबे नहीं मिलेंगे आपको, बड़े बड़े होटलों में ही एक रेस्टोरेंट टाइप का मिलेगा। तो जो जो हमने यहाँ दाल चावल राजमा चावल हमने रामपुर से 90 रुपये खाया था, वो चीज़ हमने यहाँ पे 210 रुपये में खाई है। तो थोड़ा तो महंगा है तो उसे अब देखते हैं, शाम का भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा जो थोड़ा सस्ता पड़े 210, क्योंकि हमने 90 रुपये खाया पहले तो अब लग रहा है 210 रुपये हमें ज़्यादा लग रहा है।